हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर जाने का इतना ही शौक है तो ऊपर जा। जरूरत थी 40 करोड़ भेजने की? हमारी बैंक की लिमिट तो कभी 1 करोड़ से भी क्रॉस नहीं हुई, फिर ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बस 3 दिनों की तो बात है, उसके बाद तो 35 करोड़ रुपए अलग अलग ब्रांचेस में ट्रांसफर हो ही जाएंगे। हाँ मैडम, हो गया मैडम। मैम आप यहाँ पर साइन कर दीजिए प्लीज। 2 दिन के बाद पैसे लेने तुम ही आओगे ना? जी मैम, मैं ही आऊंगा। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम,
माँ का जयपुर से फोन है, मैं अभी आया। हेलो सर, प्लीज आइंदा से आप इतना सारा कैश हमारी ब्रांच पे ना भेजे, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी ब्रांच एक छोटी सी ब्रांच है। थैंक यू सर। मैम वैसे आज आप बहुत अच्छी दिख रही है, आपका ड्रेस काफी सूट कर रहा है आप पे। वरदा मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ओके मैं तो आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वैसे आपने लंदन से जो चीज मंगाई थी ना वो आ गई है। वैसे तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा मूड कैसे ठीक करना है ना? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा भाई मेरा फेवरेट परफ्यूम ले आया? यस। वाव, रिवरन्योर, माय फेवरेट परफ्यूम। थैंक यू सो मच फरदा। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। मैम मैम गजब हो गया। क्या हुआ? वॉल्ट का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा मैम। क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छे से चेक करो, कंप्यूटर हैंग हो गया होगा। मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया था मैम, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है कैमरे में कोई प्रॉब्लम है। ओह गॉड, लेट मी चेक। ये प्रॉब्लम आज ही होनी थी, चलो देखते हैं। ये सब क्या हो गया? अरे मैम को क्या हुआ? बेहोश हो गए मैम। हेलो सीआईडी सर, मैं ग्लिम बैंक से बोल रहा हूँ सर। पूरे 40 करोड़ की चोरी हुई है हमारे बैंक। वॉल्ट को खोला तो नहीं है? नहीं सर, जैसा आपने कहा था, ना ही किसी को वॉल्ट खोलने दिया, ना ही किसी को बैंक के बाहर जाने दिया गया। ठीक है, अभी खोलिए। जी सर। मैम चाबी। चोरी में शामिल नहीं था? हाँ लगता तो ऐसा ही है श्रेया। ये देखा, नकली दाढ़ी, नकली मूंछ। ये भी चोरी के इरादे से यहाँ पे आया था, और शायद इसके साथियों ने इसे धोखा दे दिया।
उसकी जेब तो खाली है, ना कोई पर्स ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन। सचिन एक काम करो, वॉल्ट को जरा अच्छी तरीके से चेक करो, अगर वॉल्ट का दरवाजा बाहर से बंद था वैसे गायब कैसे हुए? कम जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब उठा लो। सर निकल, जितने भी बैंक एम्प्लॉय हैं सबकी उंगलियों के निशान ले लो। आप हम पे भी शक कर रहे हैं? 40 करोड़ की चोरी हुई है, एक आदमी का खून हो गया है, जब तक असली मुजरिम नहीं पकड़ा जाता सब लोग सीआईडी के शक के दायरे में। केविन कहाँ आपका? इस तरफ। दिखाइए। आइए सर इधर। जरा आप डिटेल में बताइए कि ये सब हुआ कैसे था? सर सुबह 11 बजे बैंक में 40 करोड़ रुपए आए थे, मैंने उनकी गिनती करने के बाद उन्हें संभाल कर वॉल्ट में रख दिया और अपने कैबिन में आ गई। फिर पीछे से चारू भागती हुई आई, उसने बताया कि वॉल्ट का सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया है। मुझे लगा कि शायद कंप्यूटर हैंग हो गया है, इसलिए मैंने उसको रीस्टार्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी वॉल्ट का सीसीटीवी उसे दिखाई नहीं रहा था। उसके बाद? और फिर सब कॉरिडोर में चले गए हम लोग, लेकिन वॉल्ट का दरवाजा सिर्फ मैम की चाबी से नहीं खुल सकता था, उसके लिए रुपेश की चाबी भी बहुत जरूरत थी। और सर रुपेश उस वक्त कॉरिडोर में नहीं था। मैडम मैंने मैंने कहा था ना आपसे, मेरी माँ जयपुर गई है, मैं उनसे फोन पर बात कर रहा था। तो आप माँ से फोन पे बात कर रहे थे? जी सर। मोबाइल फोन पे बात कर रहे थे या लैंडलाइन फोन पे? जी लैंडलाइन पर। अच्छा, क्या एसटीडी कोड क्या है जयपुर का? 0141। आपका फोन दीजिए। यस सर। मतलब चोरी उस दौरान हुई है जब आप पैसे रख के वॉल्ट रूम से यहाँ केबिन में आई और केबिन से कॉरिडोर में गई, है ना? लेकिन इतने कम समय में चोरी तो तभी हो सकती है जब चोरों की प्लानिंग जबरदस्त या फिर कोई अंदर वाला मिला। नहीं सर, इस बैंक में तो सभी बहुत वफादार हैं। कौन कितना वफादार है ये तो पता चल ही जाएगा। शेह जरा सीसीटीवी कैमरा चेक करना, कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है? सर 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 मैंने वॉल्ट रूम अच्छी तरह से चेक किया है, ना तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है और ना ही कोई खुफिया रास्ता है। अच्छा, मतलब पैसे बाहर गए हैं तो वॉल्ट रूम के दरवाजे से। हमें इस कैमरे की फुटेज चेक करनी है। जी सर। सर सीसीटीवी कैमरा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ठीक है, फुटेज दिखाइए। ये तो वही आदमी है जिसकी लाश हमें वॉल्ट पे मिली थी। 10:55 पे अंदर आया। ये उस तरफ किधर जा रहा है यार? सब उधर वॉशरूम है। ग्यारह बजे पैसे आए बैंक है? ग्यारह बीस में आप लोग बाहर आ गए।
11:22 को चारों आपने प्रॉब्लम नोट किए, 11:24 को आप वहां पहुंची, मतलब चोरी हुई है सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और एक बात और सर, ये मरा हुआ आदमी बैंक के अंदर तो गया लेकिन बैंक से बाहर नहीं निकला, इसका मतलब इस दौरान वो बैंक के अंदर ही चिपके बैठा था। You're right. Excuse me. चोरी होने से ठीक पहले आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा सुना जो अजीब हो, अनयूजुअल हो? नहीं सर, सीसीटीवी कैमरा बंद होने से पहले हमें भनक तक भी नहीं लगी। अच्छा, एक आदमी बाहर से बैंक में आता है, वॉल्ट रूम में जाके मर जाता है और किसी को कुछ पता नहीं। सर, क्या मैं उसकी एक बार फोटो देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, ये रही फोटो। ये तो हमारे बैंक के कस्टमर हैं। क्या, कौन कौन है ये? हाँ सर, मिस्टर राजेश्वर। राजेश्वर, इसकी डिटेल्स चाहिए हमें। ये इतना सारा पैसा चोर अगर यहाँ से लेके गए हैं तो कुछ गाड़ी वाड़ी में ही लेके गए होंगे ना। तुम लोग जरा बाहर जाओ, पता करो, देखो कुछ मिलता है क्या। 2 मिनट के लिए मान लें कि मुजरिम के पास इस वॉल्ट की डुप्लीकेट चाबी थी और वो लोग यहाँ से पैसे लेके निकल गए, तो सवाल ये उठता है कि पैसा लेके बाहर किस रास्ते से निकले। हाँ सर, अगर मेन दरवाजे से बाहर गया होता तो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिखाई देता सर। वही तो, यहाँ से गया है पैसा। सर, आपका शक सही निकला, राजेश्वर का नाम, एड्रेस, नंबर सब नकली है। लेकिन राजेश्वर ने अकेले ये चोरी प्लान नहीं की है श्रेया, उसका एक दगाबाज साथी था जो उसे मार के 9:11 हो गया है। एक काम करते हैं, इस बैंक के जितने भी कस्टमर है ना, सबकी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं, जरूर कोई ना कोई और फर्जी अकाउंट वाला मिलेगा यहाँ पे। सर, बैंक के बाहर लोगों ने बताया जिस वक्त बैंक में चोरी हुई थी ठीक उसी वक्त 4 लोग बाइक पे तेजी से गए थे, 2 बाइक्स एक तरफ गई और दूसरी 2 दूसरी तरफ गई, और हाँ सर, उनके पास बैग्स भी थे। वो यही लोग हैं जिन्होंने बैंक लूटा है। लेकिन सर, वो बाइकर्स आधा घंटे पहले निकले हैं, मतलब अब वो काफी दूर निकल गए होंगे। वो जितनी दूर भी निकल जाए शिता, हमसे बचकर जा नहीं पाएंगे। अरे भाई साहब, आपने यहाँ से 2 बाइक वालों को जाते हुए देखा है क्या? बड़े बड़े बैग्स हैं उनके पास। वो तो यहाँ से लेफ्ट से गए। आगे से लेफ्ट? हाँ। थैंक यू। इधर पूछते हैं। अरे भाई साहब, आपने यहाँ से 2 बाइक वालों को जाते हुए देखा है? उनके पास बड़े बड़े बैग थे। हाँ साहब, हाँ, वो सीधे गए। सीधा गए? हाँ। थैंक यू। उनके कंधे पे 2 लाल बैग थे, हाँ, काफी बड़े थे। नहीं साहब, और वो दोनों लाल बाइक पे थे। हाँ सर, पता चल गया, वो दोनों बाइक वाले इस दिशा में गए। सर, पता किया कि बाकी दोनों बाइक वाले भी इसी तरफ ही गए। इस तरफ, मतलब वो चारों बाइकर्स अलग अलग जगह से निकले और यहाँ पे आके मिले। ये लोग हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। अच्छा, आपने उन बाइकर्स को यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ साहब। अच्छा, बाइक का नंबर देखा या उन लोगों के चेहरे देखे? कैसे देखता साहब, चारों गाड़ी चला नहीं रहे थे बल्कि हवा में उड़ा रहे थे, इतनी तेज चला रहे थे आज तक मैंने पहली बार देखा है। अच्छा, आपने ये तो देखा होगा कि उन बाइकर्स के पास उनके बैग्स थे या नहीं थे? हाँ साहब, जैसा आपने बताया वैसे उनके पास भी एक था। आपने अगले सिग्नल में इन्फॉर्म किया उन्हें रोकने के लिए? किया था साहब, मगर VN चौक के हवलदार ने बोला कि वो लोग पहुंचे ही नहीं। अच्छा, VN चौक में नहीं पहुंचे, इसका मतलब है वो जरूर खाकी नाके की तरफ गए होंगे। चलो
अरे भाई साहब क्या है, जरा इस तरफ पलट के तो देखो। क्यों देखूं मैं? आप फिल्म के स्टार हैं क्या? फिल्म स्टार ना सही, मगर उससे कम भी नहीं। सीआईडी ऑफिसर दया का नाम सुना? दया, मैं ही मिला था उल्लू बनाने के लिए। दया को मुझसे क्या काम? काम है भाई, ये बताओ कि कुछ देर पहले तुमने यहाँ से रेसिंग बाइक्स को जाते हुए देखा था क्या? ए यार, अरे दया सर, आप तो सच में दया सर है सर। वो दरवाजा तो सॉरी, आप बाइक के बारे में पूछ रहे थे ना सर। अरे सर क्या है कि चार बाइक्स इधर से आई और यहाँ पे एक ट्रक था, तो उसी में वो चली गई सर। ट्रक में? और वो ट्रक किस तरफ गया? ट्रक सर यू टर्न लेकर के और जिधर से आप आए उधर ही चला गया। ओह, थैंक यू। के क्या मिला? अरे यार कमाल है भाई गॉड, तुम्हारी टाइमिंग का है। सुराग मिलते ही मतलब क्या सुराग मिला सर? बस इसकी चमड़ी पर से हमें हींग के ट्रेसेस मिले। हींग? सर वो खाना बनाने वाली हींग। तुम्हें किसी और तरीके की हींग के बारे में पता है क्या? बता दो हमें। हमें तो उसी हींग के बारे में पता है। सॉरी। अच्छा और कुछ? हाँ, एक दूसरा सुराग और मिला है, वो ये कि इस शर्ट पर से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंश मिले। प्लास्टर ऑफ पेरिस? हाँ बॉस, इसका मतलब ये आदमी हाल ही में किसी ऐसी जगह पर गया है जहां पर रंग रोगन पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा हो। राजेश्वर, ये तुम्हारे शरीर पर हिंग और टी शर्ट पे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे आया है? अच्छा ओके सर, या थैंक यू वेरी मच। सर उनके साहब कह रहे हैं कि राजेश्वर की बॉडी से हींग की स्मेल आ रही थी। सर हो सकता है कि ये आदमी हींग की फैक्ट्री में काम करता हो या फिर वहां आता जाता हो और उसके कपड़ों में प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस? सर कल हमारे यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम हुआ है लॉकर रूम में। लॉकर रूम? जी, कल यहाँ बैंक में पॉलिशिंग और प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम चल रहा था। जा दिखाइए। यहाँ है सर। तो बैंक में आने के बाद राजेश्वर यहाँ चुपके बैठा था, इसलिए उसकी कमीज पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लग गया। उसके बाद यहाँ से निकल के वॉल्ट रूम में गया चोरी करने, जब वहाँ का सीसीटीवी कैमरा बंद था और यहाँ पे नकली प्लेट थी। और जब तक सीसीटीवी कैमरा फिर से चालू हो पाता, चोरी भी हो गई और राजेश्वर के साथी ने उसे मार भी दिया। और उस साथी का नाम शायद हिमानी है। हिमानी? हाँ सर, ये देखिए इस बैंक के सारे क्लाइंट्स की डिटेल्स मैंने चेक की, सिर्फ एक लड़की हिमानी, इसकी सारी डिटेल्स गलत है। इसने भी राजेश्वर की तरह हाल में ही खाता खुलवाया है। कमाल है, आपके यहाँ कोई भी नकली डिटेल्स देके खाता खुलवा लेता है। एक ऐसा तरीका है आपके काम करने का? I'm afraid, sir, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार ये बाइकर्स हाथ लग जाए फिर देखते हैं हिमानी को। सर ये ना वो कंटेनर। सर
गन चेक। आगे मत बढ़ना, मैं सच कह रही हूं, मैं गोली चला दूंगी। जब नो इवानी, तुम सजय सिंह फैक्ट्री में राजेश्वर काम करता था, वहां से कुछ पता नहीं चला, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि वो अक्सर इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाता रहता है। ये तो खून है, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। चलिए चलो। पक रही थी तुम्हारी, वो खून किसका है नीचे? तो नहीं तो सर, वो चंदन का। कौन चंदन? बता ना साहब, सिक्योरिटी गार्ड था साहब, प्रवीण भाई ने मार दिया उसे। मार डाला उसे, लाश कहाँ है उसकी? वो वहां पे सर। प्रवीण भाई कहाँ है? प्रवीण पता नहीं साहब, नहीं पता। ये कौन है? ये तो हमारे प्रवीण भाई हैं, हमारे बॉस। पर ये तो मर गया है, और तुम दोनों की भी यही हालत हम करेंगे अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। साहब हमें कुछ नहीं पता साहब। मार डालो। नहीं सर, बता। साहब ज्यादा कुछ पता नहीं है साहब। जल्दी बताओ साहब, प्रवीण भाई ने बैंक लूटने का प्लान बनाया था साहब, और चंदन को भी उसी ने मरवाया साहब। आगे क्या हुआ? सर प्रवीण भाई बैंक के एक्स चेयरमैन सुदर्शन जी के बेटे थे, तो इसलिए उन्हें बैंक के वॉल्ट की डुप्लीकेट चाबियां बड़े आसानी से मिल सकती थी। ले जाओ इन दोनों। सर 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 सर, अमीर बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, यहां तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डाला, पर क्या फायदा हुआ? मेरे हाथ तो एक रुपया भी नहीं लगा। धोखा दिया मुझे प्रवीण ने। प्रवीण ने तुम्हें धोखा दिया या तुमने उसे? हां क्यों मारा उसे? क्या प्रवीण मर गया है? एक्टिंग बंद करो, सूट नहीं करता तुम्हें। तुमने प्रवीण को इसलिए मारा ताकि तुम सारे पैसे अकेले हत्या सको। नहीं, मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हाथ एक रुपया भी नहीं लगा, और मैंने प्रवीण को कोई धोखा नहीं दिया, प्रवीण ने मुझे धोखा दिया है। अब लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? सर सर शायद ये सही बोल रही है, कंटेनर में कोई पैसा नहीं है। सर इसका मतलब इसने सारे पैसे कहीं छिपा दिए हैं। अब तो मेरे बात का यकीन करिए आप लोग, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सचमुच नहीं पता कि वो 40 करोड़ रुपए कहाँ है। कहाँ है वो 40 करोड़ रुपए? अगर वाकई इसके साथ धोखा हुआ है तो धोखा प्रवीण ने नहीं, उस आदमी ने दिया है जिसने प्रवीण की जान ली।
इस खेल में ये तीसरा खिलाड़ी कहां से आ गया? नकली पैसे रख दे। हाँ सर। गुड। तो फिर ये मान लेते हैं कि वो प्रवीण और पुनी यहाँ लॉकर रूम में छुप के बैठे थे। एक काम करो, तुम और निखिल यहाँ लॉकर रूम में बैठ जाओ। इशिता वहां जा, खिड़की के पीछे। यस सर। दो मिनट में हुआ था ना ये सर? यस सर। स्टार्ट। दो मिनट के अंदर इतना सब कुछ कर पाना नामुमकिन है। सर बैग। सचिन बैग खिड़की से टच किए बगैर तो बाहर देख नहीं सकते ना? नहीं सर, खिड़की बहुत छोटी है सर। करेक्ट। ये देखा, वार्निश लगा हुआ है। बैंक की मैनेजर बता रही थी कि हाल में ही पॉलिशिंग का काम किया गया है। देखा, अभी तक सूखा नहीं है। पर सर, ये वाले बैग्स जो ट्रक में मिले थे, ये तो पूरी तरह साफ है। क्योंकि इन बैग में पैसा था ही नहीं। ये बैग बैंक के अंदर आए नहीं है। ये बैग वहां रखे गए थे सिर्फ और सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए। सर, इसका मतलब असली वाले बैग कहीं और है? शायद अभी भी बैंक के अंदर है। बैंक से पैसा बाहर गया ही नहीं है, यहीं कहीं छुपा के रखा हुआ है। ढूंढो उसे। सबको बाहर निकालो बैंक से जल्दी। निखिल जल्दी एम्बुलेंस बुला। चलिए आप लोग चलिए। हेलो सिटी हॉस्पिटल, देखिए क्लीन बैग में जितना जल्दी हो सके यहाँ पे एम्बुलेंस भेजिए। हो गया सर। जी, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता लगी है यार। क्या? ये प्रवीण के जूते का केमिकल एनालिसिस किया तो उसमें मुझे परफ्यूम के ट्रेसेस मिले। परफ्यूम के ट्रेसेस? हाँ, वो परफ्यूम जिसकी बोतल मैनेजर के हाथ से गिरी थी। सारुंगे साहब, ये कैसे हो सकता है? मैनेजर के बेहोश होने के बाद परफ्यूम की बोतल यहाँ पे टूटी थी उसकी। तब तक तो वॉर्ड रूम के अंदर वो प्रवीण मर चुका था। और इतना ही नहीं, मैनेजर ने जो पानी पिया था उस पानी में भी मुझे बेहोश करने वाली दवा मिली है। My God.
इसका मतलब मैनेजर के बेहोश होने के बाद ये बैंक लूटा गया है। बहुत सेड़ी वाले अब क्या करें? उड़ा दो उनको, उड़ा दो उनको, उड़ा दो उनको। तुम लोग सुधरोगे नहीं ना सीआईडी वाले। ए, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, चलो सर। क्यों एसीपी साहब, खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये लो बेवकूफ, हमारे साथ खेल खेलोगे तो जल्दी पता चल जाएगा। वो देखिए मेरे पीछे, छोड़ना मत अभिजीत, एक को भी छोड़ना मत। खेल अब खत्म। ये सब हमने पैसों के लालच में की। प्रवीण ने हमें प्लान में शामिल कर लिया था। उसने असली सिक्योरिटी गार्ड को किडनैप करके उसकी जगह नकली सिक्योरिटी गार्ड बैंक में भेज दिया। चोरी के दिन मैनेजर त्रिशा को बेहोशी की दवा हमने दी थी और हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने और किसी गार्ड को अंदर नहीं आने दी। त्रिशा के बेहोश होने के बाद मैंने आपको कॉल की। सर आप जल्दी आ जाइए, प्लीज जल्दी आइए।
हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है। लो, मैम के पास जो चाबी है वो भी तुरंत दे दो, दरवाजा खोल कर रखो, मैं प्रवीण को लेकर आता हूं जल्दी। प्रवीण, क्यों मारा? प्रवीण काम होने के बाद हम सबको मार डालने वाला था, इसलिए मैंने बैंक रॉबरी के दौरान उसको ही मार दिया। तो तुम लोगों ने मैनेजर के बेहोश होने के बाद लूटा, लेकिन उसके पहले ही वॉल्ट खाली दिख रहा था फुटेज में। कैसे? प्रवीण ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से कुछ समय के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया था। और सर, मैंने ही चारू के कंप्यूटर को हैक किया था। मेरे पास पहले से ही एक खाली वॉल्ट का प्लेट था, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को एडिट करके मैं खाली वॉल की प्लेट लगा दी। सबको लगा कि पैसा चोरी हो गया है। वाह रे वाह, तुम दोनों बैंक के कर्मचारी थे, लोगों का विश्वास था तुम पर, और तुमने विश्वासघात किया। बैंक से 40 करोड़ रुपए चुराए, प्रवीण का खून किया, और तो CID ऑफिसर्स को मारने की कोशिश भी की। तुम दोनों को तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।